ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार है किसान मन पर 3,70,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के नवा लाभकारी योजना के करीन घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेवला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए जाए के प्रस्ताव ला कांग्रेस अधीन मंजूरी। उन्हें आदिवासी नेता नंद कुमार सायला सीएसआईडीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ईद उल जुहा के तिहार आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में धार्मिक श्रद्धा के संग मनाए जावत है। अब समाचार विस्तार ले। केंद्र सरकार है किसान मन पर 3,70,000 करोड़ रूपया ले ज्यादा के बढ़कर नवा लाभकारी योजना की घोषणा करे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामला मन के समिति के बैठक में ये योजना ला मंजूरी देगी। चालू वित्त वर्ष पर गन्ना की कीमत 10 रूपया बढ़ा के 315 रूपया है क्विंटल पाछू कर देगी है। एकर ले गन्ना उत्पादक किसान और चीनी मिल ले जुड़े करीबन 5,00,000 मजदूर मल्ला फायदा मिली। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पत्रकार मल्ला बताई कि मंत्रिमंडल किसान मल्ला 45 किलो के यूरिया में 242 रूपया के सब्सिडी ला आगू घलो जारी रखे के फैसला करे है। मंत्रिमंडल के ये फैसला में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया कही है कि एकर ले किसान के आय में बढ़ोतरी होगी, संगे संग जैविक खेती ला प्रोत्साहन मिली और मिट्टी के उर्वरता घलो बढ़ी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव ले पहली कांग्रेस एक बड़का कदम उठावत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेवला उप मुख्यमंत्री बनाए जाए के प्रस्ताव ला मंजूर कर ले है। काली नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत समेत अन्य पदाधिकारी मन की बैठक में ये प्रस्ताव मंजूर करेगी। बैठक के बाद पार्टी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल मीडिया ला ये फैसला की जानकारी दी। श्री सिंहदेव ला जल्दी उप मुख्यमंत्री पद के शपथ दिवाए जाही। उप मुख्यमंत्री बनाए जाए के प्रस्ताव ला मंजूरी मिले के बाद पत्रकार मल्ले गोट बात करत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहने की कांग्रेस के जम्मू नेता पहली घलो एक संग मिल के काम करत रही से, अब ओ मल्ला नवा जिम्मेदारी मिले के बाद एक नवा स्वरूप में सबो झीन एकजुट होके अपन अपन भूमिका निभाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव ला उप मुख्यमंत्री बनाए जाए में बधाई दी। ओमन उम्मीद जताई है कि श्री सिंहदेव अपन नवा जिम्मेदारी ला सफलतापूर्वक निभाही। इही बीच श्री सिंहदेव आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री ले निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट करी। मुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ला मिठाई खवा के बधाई दीन। ये मौका में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा मौजूद रहीन। राज्य सरकार पाछू दिन कांग्रेस में शामिल हुए आदिवासी नेता नंद कुमार सायला छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम सीएसआईडीसी के अध्यक्ष नियुक्त करे है। यह आदेश के तहत श्री सायला कैबिनेट मंत्री के दर्जा दे गये है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्री सायला ये नवा जिम्मेदारी पर बधाई और शुभकामना दी है। सीएसआईडीसी के अध्यक्ष बनाए जाए के बाद श्री साय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उखर रायपुर के निवास कार्यालय में भेंट करी। उन्हें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह श्री साय की नियुक्ति में ओमल्ला बधाई देवत कहने कि श्री साय भाजपा में महत्व नहीं दे जाए के आरोप लगा के पार्टी छोड़ दे रही, जबकि भाजपा ओमल्ला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए रही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा काली बिलासपुर के रेलवे मैदान में एक आम सभा ला संबोधित करी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बताई ने कि यह आयोजन में पार्टी के स्थानीय इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मना आज तैयारी ला आखिरी रूप देवर जुटे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। प्रदेश में अवैया विधानसभा चुनाव ला लेके राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है।
कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन सरलग बैठका लेके चुनावी रणनीति बनावा थे। संगे संग मतदाता मन ले संपर्क करे बर घलो आने आने कार्यक्रम करे जावा थे। यही कड़ी में कांग्रेस प्रदेशव्यापी बूथ चलो अभियान शुरू करे है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज बालोद में कार्यकर्ता मन ले चर्चा करी। उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पाटन क्षेत्र में बूथ चलो अभियान के तहत कार्यकर्ता मन ले संबोधित करी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 9 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में भाजपा डहर ले प्रदेशव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाए जावत है। यही कड़ी में काली मुंगेली में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहले कार्यकर्ता मन के संग प्रबुद्ध नागरिक मन के घर जाके जनसंपर्क करी और ओमला केंद्र सरकार की उपलब्धि के जानकारी दी। उन्हें जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा मघलो जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ता मन के सम्मान करेगी। ये कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सौरभ सिंह घलो शामिल हुई। सुकमा जिला के ताड़मेटला इलाका में माओवादी मन उप सरपंच समेत दो जिन गांव वाले मन की हत्या कर दे है। पुलिस के मुताबिक 10 दिन पहली ताड़मेटला ग्राम पंचायत के उप सरपंच माड़वी गंगा और शिक्षा दूत कवासी सुक्का समेत 15 लोगन ला माओवादी मन अगवा कर ले रही। इही बीच सर्व आदिवासी समाज है ये जम्मू के रिहाई पर माओवादी मल्ले अपील करे रही। एक बाद कुछ एक ग्रामीण मल्ला रिहा घलो कर देगी। फिर उप सरपंच और एक आने गांव वाले के माओवादी मन जन अदालत में काली हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उप सरपंच मांडवी गंगा शासन के जन कल्याणकारी योजना के जानकारी गांव वाले मल्ला देवत रही से और योजना के लाभ लेबर सरलग जागरूक घलो करे रही। ऐसने ही शिक्षा दूत कवासी सुक्का ताड़मेटला इलाका में लयिका माला शिक्षित करके काम करत रही है। दोनों गांव वाले के हत्या के बाद पुलिस घटना में शामिल माओवादी मन के तलाश शुरू कर दे है। यही बीच गांव वाले मन के हत्या के बाद सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी मन ताड़मेटला पहुंच के वहां के ग्रामीण मल्ले चर्चा करी और माओवादी मन डहा लेकर हत्या ले बने वहां के परिस्थिति ऊपर विचार विमर्श करी। ईद उल जुहा के त्यौहार आज छत्तीसगढ़ समेत देशभर में धार्मिक श्रद्धा के संग मनाये जावत है। त्याग और बलिदान के ये त्यौहार में लोगन मन ईदगाह और मस्जिद में नमाज पढ़ा थे। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के आने आने जिला मन में मुस्लिम समाज के लोगन मन ईद के नमाज अदा करी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश और विदेश मन में रहवैया भारतीय मल्ला बकरीद की शुभकामना दी। उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान घलो बकरीद मां मुस्लिम समुदाय के लोगन मल्ला बधाई दी है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 25 लाख ले ज्यादा ग्रामीण परिवार मल्ला साफ पिए के पानी उपलब्ध कराए बर घरेलू नल कनेक्शन दे जा चुके हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरुद्र कुमार है बताई है कि योजना में पाछू एक पखवाड़ा में 1.25 लाख ले ज्यादा घर मन में नल कनेक्शन दे गये है। उमन कही ने कि अवैया दिन में जल जीवन मिशन के काम में और तेजी लाई जाही। इसी बीच नारायणपुर जिला जल जीवन सर्वेक्षण में देश के 43 आकांक्षी जिला में दूसरा स्थान पर है। ये योजना ला जल्दी लागू करे बर नारायणपुर जिला ला ये रैंकिंग दे गये है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार जिला के उपलब्धि पर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मल्ला बधाई दीन है। दुर्ग में 5 जिन लोगन खुद ला प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी बता के एक कारोबारी ले 2 करोड़ रूपया लूट ली। जिला के पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा बताई ने की दिन दहाड़े हुए घटना के विवरण सीसीटीवी कैमरा के मदद ले उजागर हुए है। ये मामला में पीड़ित कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस संदेह के आधार में आने आने टीम बना के आरोपी मन के तलाश शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्र सरकार किसान मन पर 3,70,000 करोड़ रूपया ले ज्यादा के नवा लाभकारी योजना के करी घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेवला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए जाए के प्रस्ताव ला कांग्रेस अधीन मंजूरी। उन्हें आदिवासी नेता नंद कुमार सायला सीएसआईडीसी के अध्यक्ष बनाए गये है। और ईद उल जुहा के त्यौहार आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में धार्मिक श्रद्धा के संग मनाये जावत है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।